मेरा जो गांव है ये काठी स्टेट है, यहाँ आदिवासी राजा था और 75 में ये विलीन हुआ, यानी फारस विलीन हुआ, 62 में तो रेवनी विलीन हुआ। जब तक ये काठी स्टेट यानी काठी राजा का ये परिसर में राज चलता था। बाद में क्या हुआ कि आज़ादी तो हिंदुस्तान को मिली और मोलगी में बाजार पेट आया, वहाँ व्यापारी आए और व्यापारी आने के बाद में यहाँ का जो आदिवासी था वो कोई लिखा पढ़ा नहीं था। यहाँ का राजा के लिए तो शिक्षण की सुविधा थी, कहते हैं कि जयपुर में राजकुमार को पढ़ाने के लिए स्कूल थी, लेकिन प्रजा तो स्कूल नहीं थी। मेरे माता पिताजी तो कोई लिखे पढ़े नहीं थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं छोटा था जब हमारे गांव के यानी मेरे बनवाई वो राजवीर फैमिली में से थे, वो मेरे भांजा को यानी उनके छोकरे ऐसे 3 लोगों को हमारे घर के सामने से स्कूल में लेके जाते थे। तो एक दिन मेरे पिताजी को उन्होंने पूछा कि मामा तुम्हारे बच्चे को स्कूल में रखना है क्या? तो फिर मेरे पिताजी ने बोला कि स्कूल जाके लिख पढ़ के क्या करेगा। फिर भी वो मेरे जो बनवाए थे वो पाड़वी परिवार से थे, उनका नाम नटवर सिंह था, वो मुझे स्कूल ले गए मुलगी। वहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ हमारा 3-4 लोगों का। तो हमारे परिसर में हमारे इलाके में ऐसा था कि जो राजवीर फैमिली से होता था वही सिंह लिखता था और राजा फैमिली का हाँ सिंह नाम के पीछे सिंह लिखता था और जो प्रजा में से होता था वो सिंह नहीं लिखता था। मैं तो प्रजा में का हूँ तो सिंह नहीं था, मेरा खुद का नाम था सोतिया खालिया वसावे। लेकिन स्कूल में जब हम मुझे लेके गई मुलगी, वहाँ जो 3 मेरे साथ में छोटे लड़के थे पहली में, उनका एक का नाम था राजेंद्र सिंह नटवर सिंह पाड़वी, दूसरे का नाम था गोविंद सिंह नरपत सिंह पाड़वी, तीसरा था बहादुर सिंह नटवर सिंह नरपत सिंह पाड़वी। लेकिन मैं तो सोतिया खालिया वसावे, ये तीनों में आगे पीछे कुछ नहीं था। फिर वो मास्टर ने और मेरे जो बहन हुए थे वो एक दूसरे के तरफ देखे और उन्होंने मेरा नाम छत्र सिंह कर दिया स्कूल में मास्टर ने। फिर मैं छत्र सिंह खालिया पाड़वी हो गया। नहीं राजा ने बना मेरे, लेकिन वसावे के जगह पे मैं पाड़वी हो गया, मैं सिंह हो गया, लेकिन बाप तो बिगर सिंह का रहा ना, खालिया वो तो बदल नहीं सकता था। फिर मेरा नाम छत्र सिंह खालिया पाड़ी हो गया। फिर मैं पढ़ते गया, मेरे पिताजी ने तो स्कूल भी नहीं देखी, मास्टर और स्कूल मेरा दिशा देने वाला एक दो ही साधन थे। हाँ, और मैं पढ़ते गया। उसके बाद में मैं जब मेरी पढ़ाई हुई, मैं बीकॉम के बाद में मैं MHW हुआ। MHW तो पूरा नहीं कर सका मैं, एक संघर्ष था उसमें, एक जेल में था मैं, नासिक जेल में। तो मैं बचपन से ही मोलगी का जो परिसर देखता था या सातपुड़ा का परिसर देखता था कि यहाँ के लोग अशिक्षित थे। कुछ भी घर का खेत में का पक्का हुआ खेती में का अनाज जब मोलगी को बेचने आते थे, जब मोलगी में के जो व्यापारी थे वो उनके सिर पे से गठिया छीन लेते थे, टोकरियाँ छीन लेते थे या फिर वैसे पैसे फेंक देते थे और उनके सामान ऐसे ही छीन लेते थे, या कोई आदिवासी ने किसके दुकान पे जाके बीड़ी या अकपेटी और बीड़ी पहले दे देते थे, बीड़ी पी ली तो वो दुकान छोड़ के दूसरे दुकान में वो कोई खरीद भी नहीं सकता था और वह जाओ। और मैंने बचपन में देखा और मुझे पढ़ाई में जो स्कूल में जो शिक्षक मिले मास्टर मिले वो आंदोलन संघर्ष अन्याय अत्याचार के बारे में लिखाते थे, उसके ऊपर मेरा फोकस था। तो मैंने बचपन में से ही तय कर लिया कि मैं कितना भी लिखा पढ़ूंगा लेकिन ये भाग के लिए मैं रुक जाऊंगा, नौकरी नहीं करूंगा। तो ऐसा योगायोग हुआ कि 94 में मैं 10वीं पास हो गया, उसके बाद में 12वीं पास हो गया। 12वीं के बाद में 94 में जब पुणे में आदिवासी की जो संगठन बनी फर्जी अच्छा। आदिवासी के खिलाफ विद्यार्थी संगठन बना, बोगस आदिवासी के खिलाफ, वो था KC पाड़वी, पद्माकर वड़वी और जो वो जमाने में के स्टूडेंट थे और डॉक्टर अमर सिंह वसावे, ये लोग वो जमाने में थे। तो मैं जब पढ़ाई करने तलोदा गया जब ये लोगों से मेरी मुलाकात हुई और मैं भी वो संगठन से जुड़ गया। फिर इस तरह से मैं सामाजिक चळवळ में मेरा सहभाग होते गया। फिर बाद में जब हमारा संगठन बहुत मजबूत होने लगा तो कई राजकीय लोगों को व्यापारियों को पुलिसों को बहुत तकलीफ होने लगी, क्योंकि ये भाग में ऐसा था
कि एक बार कोई भी इंसान को पुलिस स्टेशन में लेके गए तो उसको दो चार दिन तक तो छोड़ते नहीं थे, वहाँ कोर्टों में खड़े करने के भी कुछ नहीं था, और पुलिस और वहाँ के जो पुढ़ारी होते थे वही निर्णय लेते थे। तो वो ज़माने में फिर हम पुलिस के खिलाफ भी संघर्ष हुआ। इसमें क्या हो गया है कि 89 में 21 जनवरी 1989 में मोलगी में रात को गोलीबार हो गया, और वो गोलीबार हो गया वो टाइम पे हम विद्यार्थी संगठन में थे और हमारे लेटर पेड पे भी हमारा नाम था, तो मेरा नाम तो छत्र सिंह खालिया था। हाँ, तो वो तो छत्र सिंह खालिया को ढूंढते फिर रहे पुलिस वाले, मुझे तो पहचानते सीके पाड़वी करके, वो नाम से भी एक बार मैं बच गया था कि वो पुलिस जो ढूंढने आया मुझे, मेरे ऊपर वारन था, वो मुझे ही विचार रहा था किसी के तुम्हारे गांव में छत्र सिंह खालिया कौन है। अच्छा, क्योंकि मेरे पिताजी को मेरा नाम पता नहीं था ना, कोई पूछ रहा है। हाँ, क्योंकि स्कूल में वो मास्टर और मुझे ही तय मालूम था मेरा नाम छत्र सिंह है, ये मेरे पिताजी को पता नहीं था, काफी गाँव में भी नहीं किसको पता था। वो पुलिस ने तपास करो और पुलिस मुझे खुद ही मोल के मिला और मुझे कहने लगे कि छत्र सिक्के पाड़ी आपके गांव में छत्र सिंह खालिया कौन है। मैंने बेचारा क्यों, तो बोले उसके ऊपर वारंट है। तो मैं समझ गए कि अभी तो कुछ खरा नहीं है, तो मैंने उसको बताया वो तो गुजरात में काम करने निकल गया है। फिर वो उसके साथ में ही घुमा मैं, और उसके बाद में मैं वो जामीन का अटक पूर्व जामीन कर लिया। फिर बाद में उससे बोला कि मैं ही सिक्के पाड़वी का ये नाम है छत्र सिंह, यानी नाम से भी मैं बहुत बार बच गया। कहने का मतलब ये है कि संघर्ष में जो ये इलाके में जो संघर्ष होते थे आदिवासी फारेस पुलिस और व्यापारी, तो इसमें हम भाग लेते थे। और बहुत बार ऐसा होता था कि ये जो व्यापारी और ये जो पुलिस वाले होते वहाँ मिल के हमारे आदिवासी के ऊपर बहुत जुल्म भी करते थे। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि आदिवासी में कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, वो मोलगी में कुछ छोटा मोटा बिजनेस भी करते हैं, और आज मोलगी की परिस्थिति ऐसी है कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो बीकॉम है, एमएचडब्ल्यू है, या कुछ भी जो लिखे हैं वो अपना अपना बिजनेस करते हैं। सिर्फ मोलगी में सोनार का दुकान आदिवासी का नहीं है, नहीं तो पूरे दुकान आदिवासी के हैं। अभी पहले तो एक ज़माने में ऐसा था कि आदिवासी टोकरा लेके भी कुछ आम या कोई फल भी बेच नहीं सकते थे, इस तरह का वो ज़माना था। आज ऐसा है कि आदिवासी खुद के शॉपिंग है, खुद के दुकान है और व्यवहार करते हैं, यानी। और ये एक जो संघर्ष रहा है लोगों का कि कोई प्रकार की सुविधाएं नहीं, और लोगों को अगर अपना तहसील जिला तक जाना है तो एक ऐसा संघर्ष रहा, पैदल चलना, पैदल आना, कोई सुविधाएं नहीं, तो उस हालात में लोग मतलब किस तरह से जीते थे। ये हमारा जो तहसील है अक्कलकुआ, उसका यानी 75% भाग ये पहाड़ी क्षेत्र है और 25% सपाटी क्षेत्र है। और हमारा जो तहसील है कि नर्मदा घाटी से लगा के तो पूरा जो इलाका होता है, तो तहसील को जाने के लिए कम से कम 40-45 किलोमीटर की रेंज होती है। तो पहले तो हम यहाँ से पैदल जाते थे क्योंकि रास्ता नहीं था। 84 तक तो यहाँ कुछ नहीं था, हम काठी से भी अक्कलकुआ तक पैदल जाते थे, कुछ छोटा सा कागज़ निकालने का रहता था, वो कागज़ के लिए भी हम अक्कलकुआ तहसील तक जाते थे। वो दिन काम नहीं हुआ, तहसीलदार नहीं मिला या ग्राम सेवक ने तलाठी नहीं मिला, तो कोई व्यापारी के ओटे पे सोते थे, दो दिन की रोटी बांध के जाते थे, ऐसा भी एक टाइम था। और वो बहुत संघर्षमय जीवन था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सही में आदिवासी थे क्योंकि पैदल भी चलते थे। आज ऐसा है कि सबके पास गाड़ी है और रास्ते भी हो गए, सुधार भी हो गए, लेकिन हमारा जो आरोग्य है या ज़्यादा सुविधा होने से हम भी बिगड़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, आदिवासीपन खो रहा है। हम ये देखते रहते हैं कभी कभी हमारे नीचे के एरिया से, तो ये पहाड़ में बहुत जंगल होगा ऐसा हमारे लोग सोचते हैं, और जैसे ही हम हमारा मैदान छोड़ते हैं और पहाड़ पे चढ़ते हैं तो ये सारे बूढ़े बाप की तरफ पड़े हुए हैं, ऐसे ही बिना दांत वाले, जैसे एक बूढ़ा बिना दांत का हो जाता है, ऐसे ये सारे पहाड़ हो गए हैं। तो ये पहाड़ के आप लोग खा गए? नहीं, एक ज़माने में ऐसा था कि ये काठी स्टेट का ही ये फारिस था, पूरा जंगल, और राजा का आचार संहिता इतना स्ट्रिक्ट थी कि झाड़ कोई काट नहीं सकता था। लेकिन राजा के ऊपर जब आर्थिक संकट आया तो
उसने नसरवंजी करके एक ठेकेदार था, वो शायद गुजरात का होगा, उसको हाँ पारसी करके था, नसरवंजी पारसी करके था, उसको बेच दिया। और ये हमारे इलाके में पूरे 10 साल तक इसने रास्ते बनाए, और ये पूरा जंगल साग का था, और बहुत बड़े बड़े साग थे, कोई सूर्य किरण जमीन पे नहीं गिरता था, इतना घना जंगल था, छांव रहती, हाँ छांव रहती, इतना घना जंगल था, दिन को ही शेर दिखते थे, ऐसे पिताजी कहते। और मैंने खुद देखा 75 तक कि 75 में तो विलीन हुआ, हाँ तो ऐसा वो एक ये था। लेकिन वो ठेकेदार ने रास्ते बनाए, पूरा जंगल काट डाला, जो जंग जो लकड़ा रास्ते से सपाटे तक नीचे तक रास्ते से बह लिया, जो लकड़ा वहाँ जहाँ रास्ता नहीं जाता वहाँ नर्मदा नदी में से डाल के वो अंकलेश्वर के तरफ निकाल लिया। पहला तो नर्मदा नदी बहुत स्पीड में बहती थी, वो जब बांध नहीं था, तो इस तरह से ये जंगल नष्ट हो गया। फिर बाद में हम आदिवासी और यहाँ तो पहले राजा लोगों के फॉरेस्टर थे, काठी राजा के, इसके बाद में तो महाराष्ट्र सरकार के फॉरेस्टर आए, और महाराष्ट्र सरकार के फॉरेस्टर और हमारे आदिवासी में संघर्ष हुआ। हम कहते थे ये जंगल जमीन हमारा है, वो कहते थे हमारा है, इसमें तो थोड़ा बहुत बचा वो कट गया। फिर बाद में हमने देखा कि ये पूरा जंगल तो कट हो गया, तो क्या करना चाहिए, इसके लिए हमने 10-15-20 साल के पहले से जंगल निर्माण अभियान शुरू करा। उसमें फिर दरबार सिंह दादा थे, हेलारी बाबू थे, और यहाँ के जो एक सिंह करके DFO था, उसने हमको बहुत सारा मार्गदर्शन किया, सपोर्ट किया रहा। आज जो थोड़ा बहुत सातपुड़ा में दिख रहा है जंगल, वो इसका नतीजा है। और इसमें ये पिंपर खुटा है, मोकस है, ये जो इलाका है सीताराम और निर्मलताई का, वो लोगों ने जूने जंगल थे, जूने पेड़ थे, वो भी बचाए और नवीन वो भी निर्माण करा। इसके लिए वो इलाके में थोड़ा बहुत जंगल है, और जब तक जंगल और पानी रहेगा तो आदिवासी रहेगा, और जंगल और पानी ख़त्म हो गया तो आदिवासी ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह ये सब लोगों में हम संदेश देते हैं। और अभी पेड़ लगाने के अपने अपने बांध पे अपने अपने इलाके में पेड़ लगाने की कोशिश जारी है, और थोड़ा बहुत पेड़ लग रहा है, नहीं तो इसके पहले तो हमारे यहाँ दातुन भी नहीं मिलता था, इस तरह का बड़ा गैप था। तो ये अगर पहाड़ फिर से हरियाले हो गए तो आदिवासी बच जाएंगे, ऐसा आप कहते हैं? पहले तो कैसा था कि आदिवासी जंगल में जाता था, उस कोई टेम्बर खा लेता था, उम्बर खा लेता था, बहुत सारे फल थे जो जिसमें बहुत सारे विटामिन ये सब मिल जाता था। सब्जियां तो अभी भी 122 जात की सब्जियां हैं, अभी कम से कम 550 जात की तो अभी भी मिल सकती हैं, इतनी भारी भारी सब्जियां थी आदिवासी में, और सब पूरा जंगल में से ही मिलता था। तो इसके लिए उसमें कोई कुपोषण भी नहीं था, और सब शक्तिवर्धक और स्वास्थ्य एकदम स्ट्रांग था आदिवासियों का। लेकिन ये जंगल कट हो जाने से फिर हम भी बाजारी हो गए, दुबले हो गए, बाजार में से टमाटे ला रहे, बटाटे ला रहे, बंगन ला रहे, वो बंगन और टमाटे का एज कितना है, अभी तो ऐसे सुना है कि कुछ फवारा मार के या इंजेक्शन दे के भी एक दिन में भी वो बढ़ा। पहले तो हम उम्बर का पाला खाते थे, पीपर का पाला खाते थे, और ऐसे जात के पेड़ के पाला खाते थे कि जिसकी उम्र हजारों साल तक है। उम्र कितने आप कहना चाहते हैं कि जो नैसर्गिक जो हमको मिल रहा था खुराक, उससे आदिवासी अपने आप को कैसी भी परिस्थितियों में वो अपने आप को जिंदा रखता था? हाँ, जिंदा रखता था। और अगर वही साधन खत्म हो जाएंगे तो आदिवासी खत्म हो जाएंगे। आदिवासी का जो विकल्प क्या है? विकल्प इतना है कि जो जो फल झाड़ है जिससे जिसके हम पत्ते या फूल खाते थे वो पेड़ लगाना जरूरी है। अच्छा, ऐसे पेड़ लगाना जरूरी है। और जिस तरह के वो सब्जी बनाने का जो सिस्टम था वो अभी के लोगों ने सीख लेना चाहिए, और जो हमारा है उसको बहुत प्राधान्य देना चाहिए। और बाहर से जो दुकान है और बाहर से आई हुई सब्जी है या कुछ भी सामान है उसको त्यागना चाहिए।